हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हमारे पास स्टैंडर्ड सिक्स के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं यहां पर, जो सितंबर 2020 को ली जानी है। वेटेज है इसका 25 मार्क्स। अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख ले और एक काम कर दे, क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपको आंसर भी दे देता हूं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ है और इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम आपके स्टैंडर्ड के या जो भी जरूरी यूजफुल वीडियोज अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन लेके जो आपको अब आना है। तो पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन में थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है? अभी बड़ा हो गया एकदम। क्वेश्चन नंबर वन में हमको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द वर्ड हाउ, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट एंड फॉरेस्ट। तो यहां पर हमको 5 वर्ड दिए हुए थे, 5 6 वर्ड, लाइक हाउ, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट एंड फॉरेस्ट। इन वर्ड्स को यूज करके हमको एक कॉन्वर्सेशन थी वो कंप्लीट करनी है। और कुछ इस तरह है, लायन एंड रैबिट के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है। लायन सेज हेलो फ्रेंड, तो पहले में आएगा हेलो। रैबिट सेज गुड मॉर्निंग किंग। रैबिट सेज देयर इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू। लायन सेज व्हाट व्हाट इज द न्यूज। रैबिट सेड आई हैव सीन अनदर लायन इन अ फॉरेस्ट। Lion says, "How is it possible? I am the only king." So you can see there is a conversation between rabbit and lion, and it's अपनी बुक निकाल कर इसको कॉपी कर ले, यही आने वाला है। इसका वेटेज है 5 मार्क्स। तो आपको देखो बिना कोई मेहनत किए 5 मार्क मिल जाते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की ओर। और ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, हमने इसे अलग अलग रिसोर्सेज से ढूंढने की कोशिश की है। अगर आपके पास इसके आंसर्स है तो आप वो आंसर लिख सकते हैं। अभी हमारे हिसाब से जो बेस्ट है वो हमने रखे, इट कैन बी वराई, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। सो नंबर वन, व्हाट डिड द डिसिपल डू विद हिज ओल्ड रोब। गिव टू वेज टू यूज कॉमन पेपर क्लिप। थर्ड क्वेश्चन इज गिव नेम ऑफ वन ऑफ द इन्वेंशंस यू लाइक एंड द नेम ऑफ इन्वेंटर। एंड हाउ विल यू री यूज वन थिंग फ्रॉम योर थ्रैश बिन। एंड राइट टू यूज ऑफ टीन कैन। सो दिस देर आर 5 क्वेश्चन हियर। आपको इसके आंसर जो है वो लिखने हैं। ये सारे आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, मगर अगर आपको आ रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इट कैन बी वराई। हम जो भी बेस्ट है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बट गलती हो तो आप उसको सुधार सकते हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला ही सवाल हमारे पास ये था कि क्वेश्चन ये था, व्हाट डिड द डिसिपल डू विद हिज ओल्ड रोब। ओके, तो यहां पर एक पैराग्राफ दिया है, जैसे कि बुद्धा सेज व्हाट डिड यू डू विद ओल्ड बेड स्प्रेड। डिसिपल सेज मास्टर आई एम यूजिंग इट एज अ कर्टेन ऑन माई विंडो। तो हम लिख सकते हैं कि द डिसिपल यूज इट ओल्ड रोब एज अ विंडो कर्टेन। क्वेश्चन नंबर टू जो हमको पूछा गया था वो ये था कि हाउ यू कैन री यूज द पेपर क्लिप। तो यू कैन यूज द पेपर क्लिप इन टू डिफरेंट वेज, क्लिपिंग पेपर और फाइल्स एंड बुक मार्क। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह दिया है, आप ये लिख सकते हैं। यू कैन यूज कॉमन पेपर क्लिप टू क्लिप एक्चुअल पेपर्स टूगेदर लाइक वॉट इट सेज इन अ नेम। एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ बुक मार्क। सो देर आर टू यूज ऑफ यू नो पेपर क्लिप। द थर्ड क्वेश्चन वॉज गिव द नेम ऑफ वन इन्वेंशन एंड द नेम ऑफ द इन्वेंटर यू लाइक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आई लाइक द बल्ब, यू नो इन्वेंशन ऑफ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई थॉमस आल्वा, सर थॉमस आल्वा एडिसन। सो हियर इज द आंसर, द इन्वेंशन इज अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द नेम ऑफ द इन्वेंटर इज थॉमस आल्वा एडिसन, सर थॉमस आल्वा एडिसन। ओके, नाउ क्वाट्री की क्वेश्चन, व्हाट विल यू हाउ विल यू री यूज वन थिंग फ्रॉम योर थ्रैश बिन, इट इज द क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको क्वेश्चन पहले बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको पूछा है कि हाउ विल यू री यूज वन थिंग फ्रॉम योर थ्रैश बिन। यहां पर मैंने आंसर लिखा हुआ है कि हम किन चीजों को थ्रैश बिन में से यूज कर सकते हैं।
रीयूज ओल्ड प्लास्टिक बैग, वी कैन यूज रीयूज द प्लास्टिक बैग, रीयूज पेपर बैग एज अ स्कूल बुक कवर्स और गेट अ लिटल क्रिएटिव एंड कट द यूज पेपर ऑफ पेपर इन टू द स्क्रैप पीसीस एंड मैसेज पैड, अगर हम उसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं. सो हियर इज द सम यूजेस ऑफ थ्रैश, रीयूज ऑफ समथिंग इन योर थ्रैश बिन, राइट. टू यूजेस ऑफ टीन कैन, अब बताया कि टीन कैन को हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं या अलग अलग यूजेस उसके बताने हैं. तो यहां पर हमने इसका आंसर लिखा है, टीन कैन बी यूज फॉर पेन होल्डर्स, है ना, जो हमारे टेबल पर पेन रखने के लिए पेन होल्डर होता है उसके, उसको बनाने में हम यूज कर सकते हैं. और इट कैन बी यूज एज अ पिगी बैंक और यू कैन मेक अ डेकोरेटिव आइटम फ्रॉम इट. इट कैन ऑल्सो होल्ड अ किचन कटलरी आइटम. सो ये कुछ यूजेस हो सकते हैं. आपके पास और आइडियाज हो तो आप वो भी लिख सकते हैं. एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. इट हैज ऑल्सो 5 मार्क्स. देर इज अ डायग्राम इन इट. आपको वाटर साइकिल जो है वो हाइड्रोसाइकिल जो है वो बताया है एंड यू हैव टू आंसर इट. और आपको कुछ वर्ड दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं. तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर आपको सन दिया है, देर इज अ वाटर बॉडी हियर और द हीट ऑफ द सन एंड द वाटर इवेपोरेट्स एंड इट मेक्स क्लाउड्स, ओके, एंड रेन. ये आपको एक वाटर साइकिल जैसा बनाया है और आपको ये वर्ड भी दे दिए, सन, वाटर, क्लाउड, ओशन, हीट एंड अर्थ. यू हैव टू राइट सम यू नो सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस वर्ड्स. तो हम ये वर्ड्स को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द आंसर. ये है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देयर इज अ बिग सोर्स ऑफ वाटर दैट आर ओशंस, और दोज आर ओशंस. आप दोज लिख दीजिए. एंड ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन द वॉटर इवेपोरेट्स एंड मेक क्लाउड्स. तो इसमें हमने जो सारे वर्ड्स थे उसको यूज कर लिए. ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ देर इज अ बिग सोर्स ऑफ वॉटर दैट दोज आर ओशंस एंड ड्यू टू द ट्रिमेंडस हीट द सन द वॉटर ड्यू टू द सन ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन द वॉटर इवेपोरेट्स एंड मेक क्लाउड्स. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है. इसके बाद हमको पूछा गया है, यू हैव टू राइट अ स्टोरी. यहां पर दिए ना एक स्टोरी, कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. आपको कौन सी स्टोरी लिखनी, पता है जब आप छोटे थे थर्स्टी क्रो की आपने स्टोरी सुनी है, वो स्टोरी आपको लिखनी है और वो स्टोरी विद पिक्चर्स में आपको दे रहा हूं. तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें. अगर आपको दिख नहीं पा रहा है तो ये स्टोरी मैं सुना देता हूं. देयर वॉज अ क्रो विच वॉज वेरी थर्स्टी. ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर. एट लास्ट ही सो अ वाटर पॉट नियर अ वेल. ही लुक्ड इनसाइड द पॉट एंड देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट. द क्रो सो सम स्टोन्स नियर बाय. ही थॉट ऑफ अ प्लान. ही पिक्ड अप सम स्टोन्स. He put them one by one into the pot. The water level in a pot came up. The crow drank the water and flew away happily. So, ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी. अगर आप ये रीड नहीं कर पा रहे तो आपको मैंने बोली है स्टोरी, आप वो सुनकर लिख ले. आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.